Hello friends, now today we are going to our next chapter, chapter number 8, comparing quantities. It is the last chapter of our syllabus. So today we learn about ratio. What is ratio? It is comparison of two quantities of similar kind with the help of division. Like an example, एक क्लास में 20 बॉयज़ है और 30 गर्ल्स है, तो हम बॉयज़ और गर्ल्स को रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 20 जेम 30, यानी 20 अपॉन 30। सो ये रेशियो हमने आगे के स्टैंड में भी देखा था, ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से हम इसे लर्न करेंगे। मैं आपको वन बाय वन कहता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 के साथ शुरू करेंगे। स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे साइकिल में कितनी स्पीड है? 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर में 13। तो हम क्या लेंगे? रेशियो लेंगे, ठीक है, स्पीड का रेशियो 15 अपॉन 30। यहाँ पे याद रखिए यूनिट है वो क्या है, सेम है, ठीक है, इसलिए हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो 15 अपॉन 13 यानी 1/2, तो 1:2 हमारा रेशियो हो गया, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे देखिए 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, यहाँ पे जो है वो 5 मीटर है वो सेम नहीं है, यानी जो क्वांटिटीज है वो सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम रेशियो तो 5 अपॉन 10 ही लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है उस वैल्यू को अगर हम बड़ी कर दें तो हमारे लिए कैलकुलेशन में इजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 किलोमीटर है, तो किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है, तो हमारे पास फिर आंसर क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 10,000। फिर हम उसको सिंप्लीफाई करें तो हमें आंसर में मिल जाएगा 1 अपॉन 2,000, ठीक है। हमें पता ही यहाँ से 5 2 10 2,000 है, ठीक है, देन 1 अपॉन 2,000, 50 पैसा 2 रुपीज़ 5। तो हम क्या करेंगे, रेशियो लेने के लिए सबसे पहले ऊपर 50 पैसे लिखेंगे, जो बड़ी वैल्यू होती है वो हम डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे, क्योंकि सिंप्लीफाई में इजी रहता है, डिवीजन में इजी रहता है। तो हम क्या करेंगे, 50 अपॉन 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 है वो रुपीज़ में है, अगर हम उसको पैसे में कन्वर्ट करें तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500, यहाँ से 1010 कट, तो यहाँ पे बचेंगे 5 अपॉन 50, यानी 1 अपॉन 10, आंसर इज 1:10। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो, देखिए हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब ये मेथड में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा रेशियो है यहाँ पे 3:4 यानी 3 अपॉन 4, तो सिर्फ उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमको आंसर में परसेंटेज मिल जाएंगे, 3 अपॉन 4 × 100। तो यहाँ पे 4 और 100 को कट करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, 25, 25 × 3 = 75। यहाँ पे 2 अपॉन 3, तो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर में हो जाएगा 200 अपॉन 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड। अब देखो पहले इंटरेस्टेड कितने हैं, 72% है, ठीक है, 72% स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, तो बाकी के कितने बचे, यानी 100 में से हम उसको लेस कर देंगे, 100 में से लेस कर देंगे तो हमारे पास रहेगा 28%। अब 28% का क्या करना है कि 25 स्टूडेंट्स का जो हमें देखना है कि मैथमेटिक्स में कौन से इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 28% ऑफ 25, ये सभी में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 28 × 25, और जब ये परसेंटेज की साइन निकाल देंगे तो डिनोमिनेटर में 100 हमें लिखना पड़ेगा,
और सिर्फ सिंप्लीफाई कर दो तो हमें आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। अब फुटबॉल टीम में उन लोगों ने 10 मैच है वो जीत लिया है, ठीक है, 10 मैचेस वॉन कर लिया है, लेकिन कितने हैं वो मालूम नहीं है कि कितने मैच में से 10 मैचेस उन्होंने वॉन कर लिया है। इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40% है अगर विन के, तो हाउ मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो हमें टोटल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए कि इस टीम ने एक्स मैचेस है वो प्ले किए होंगे, ठीक है, खेले होंगे। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 40% है, तो हम करेंगे कि 40% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स है वो तो टोटल मैचेस है इसलिए उसका 40% करना चाहिए। और सामने कितने मैचेस जीते हैं 10, तो यहाँ पे 10 हमें लिखना होगा। 40% ऑफ एक्स यानी 40 × x/100 इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर 25 मैचेस आ जाएगा। इफ चमेली हैड 600 rupees लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव द बिगिनिंग। अब चमेली के पास मान लीजिए कि बिगिनिंग में एक्स रुपीज थे, ठीक है, लेकिन उसने स्पेंडिंग 75% तो उसने स्पेंडिंग कर दिया, तो कितने बचे 100 में से 75 लेस कर दो तो 25%। अब ये 25% किसके है, तो स्टार्टिंग में उसके पास जितने रुपीज थे उसके 25% ऑफ एक्स इक्वल टू 600, तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2400। इफ 60% पीपल इन अ सिटी, अब 60% जो पीपल है वो क्रिकेट लाइक करते हैं, 30% है वो फुटबॉल लाइक करते हैं, ठीक है, एंड देन व्हाट परसेंटेज द पीपल ऑफ अदर गेम्स, तो बाकी के जो परसेंटेज है वो अदर गेम्स जो लाइक करते हैं उसके परसेंटेज हमें फाइंड आउट करने हैं। और ऐसे जो टोटल पीपल है वो है 50 लाख, ठीक है, 50 लाख पीपल है। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ पीपल वो लाइक क्रिकेट 60%, परसेंटेज ऑफ पीपल वो लाइक फुटबॉल यानी 30%। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करें तो हमें क्या मिलेगा 90, और 100 में से 90 निकलेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि कितने परसेंटेज पीपल अदर गेम्स को लाइक करते हैं, तो यहाँ पे है 10%। एक और क्वेश्चन है कि हमें सभी जो गेम है उसमें कितने कितने पीपल है वो हमें फाइंड आउट करने हैं, तो कुछ नहीं करना है, मैं डायरेक्टली आपको कहता हूँ कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है 60%, ठीक है, तो यहाँ पे जो 50 लाख है उसके 60% है वो निकालने हैं, फिर 50 लाख एज इट इज़, फिर फुटबॉल के 30% है वो निकालने हैं, और फिर अदर गेम्स के 10% निकालने हैं। तो ये तो अब आपको आता ही होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है 10 और 50 लाख का, और सिर्फ डिनोमिनेटर में 100 लिखना है, तो इन सभी में सिर्फ और सिर्फ सेम मेथड करना है, तो ये सभी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 8.2 है वो हम लर्न करते हैं। ठीक है, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, अब मान लीजिए कि उनकी सैलरी हमें पता नहीं है, तो हम गेस कर लेते हैं 100 rupees, 10% इंक्रीज यानी हम 10 rupees है वो ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास कितना हो गया 110, तो उसकी जो न्यू सैलरी है वो है 1,54,000। तो अब हम उसकी ओरिजिनल सैलरी के लिए क्या करेंगे, 100 upon जो उसकी अब न्यू सैलरी है, ठीक है, उसकी जो न्यू सैलरी है 110, और उसको न्यू सैलरी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर में इजी से मिल जाएगा 1,40,000। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, 845 वो जू में गए, ठीक है, संडे, और संडे को 845, मंडे को 169। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू, जो ये इतने सारे नंबर से वो कम हुए हैं, ठीक है, डिक्रीज हुए, तो हमें
उसके परसेंटेज निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8545 में से 169 निकालेंगे तो क्या बचेगा 646। अब हम क्या करेंगे कि 676 को 845 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका परसेंटेज है वो इजी से मिल जाएगा। ठीक है, शॉपकीपर बाइस 80 आर्टिकल्स फॉर 2400। अब जो 80 आर्टिकल्स है वो 2400 में सेलिंग करता है और वो 16% प्रॉफिट है वो अर्न करता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो हम क्या करेंगे, हमें सेलिंग प्राइस है वो ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 80 आर्टिकल्स के 2400 रुपीज़ थे तो एक आर्टिकल के कितने, यानी हम इसको 2400 और 80 को डिवाइड करें तो हमें आंसर में मिल जाएगा 30। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस हुई वो क्या है, ₹30 और प्रॉफिट है 16%। तो हम 30 के 60% अगर निकालें तो बचेगा जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो है वन आर्टिकल की 4.80। ठीक है, अब ये तो क्या हुआ, प्रॉफिट के रुपीज़ है, लेकिन प्रॉफिट कितना था, 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ में हमें 4 रुपीज़ ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 34 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500। आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, 15,500। ठीक है, अब जो रिपेयरिंग चार्ज है वो क्या है, 450। तो हमें उसको एडिशन करना होगा, 15,500 प्लस 450 यानी 15,950। अब प्रॉफिट कितना है, 15%। तो सबसे पहले हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ पे 15,15950 है, उसके 15% निकालेंगे तो आंसर में हमें 2392 मिलेगा। अब क्या है कि हमें जो प्राइस मिली है उसमें हमें प्रॉफिट तो ऐड करना ही है, तो ये तो हमारा प्रॉफिट है और ये जो है वो हमारी टोटल प्राइस है। तो इन दोनों का अगर हम सम कर दे तो हमें जो टोटल वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस है वो हमें मिल जाएगी। अब वीसीआर एंड टीवी वेयर बोट फॉर ₹8,000 ईच। ठीक है, दोनों की प्राइस कितनी है, 8,000। ठीक है, तो शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 40% ऑन वीसीआर। वीसीआर में 4% लॉस हुआ और टीवी में 8% प्रॉफिट हुआ। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द वॉल ट्रांजेक्शन। तो हमें उसके जो उसको प्रॉफिट और लेस जो हुआ है वो हमें कन्वर्ट करके कहना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि वीसीआर की प्राइस कितनी है, 8,000, लॉस कितना हुआ है, 4%। तो 8,000 के सबसे पहले 4% हम निकालेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 320। और 320 रुपीज़ है वो लेस है, ठीक है, और उसका लॉस अमाउंट है, तो 8,000 में से 320 लेस कर देंगे तो हमें आंसर में मिल जाएगा 7680। अब यहाँ पे करते हैं टीवी, टीवी की वैल्यू क्या है, 8,000, परसेंटेज क्या है, 8%। तो 8,000 के 8% अगर निकाले तो हमें बचेगा रिमेनिंग अमाउंट 640। अब ये हमें कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देना है, तो ये हमारी जो उसकी उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 8640। अब हम दोनों की कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी हुई है, 8,000 और 8,000 यानी 60,000, और दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो हम ऐड करते हैं तो हमें मिलते हैं 16,320। यानी जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो क्या है, एसपी जो टोटल प्राइस है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस है वो लो है। तो हम क्या करेंगे कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास होगी 320। अब हम उसको परसेंटेज में कहते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो हम प्रॉफिट कहेंगे कि प्रॉफिट 320 हुआ है, कितनी वैल्यू थी, 16,000 थी, तो उसके परसेंटेज यानी इनटू मल्टीप्लाई 100 तो हमें आंसर में मिलेगा 2%। तो ये टोटल ट्रांजेक्शन का अमाउंट है। ड्यूरिंग अ सेल शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%।
ठीक है, अब कोई डी सेल है, डिस्काउंट है, 10% दे रहा है, मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 rupees एंड टू शर्ट मार्क्ड एट 850 ईच। तो हम करते हैं कि क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीन्स की जो पेयर है वो 1450 है, फिर एक शर्ट की प्राइस है 850, 850 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर में हो जाएगा 1700। अब थ्री आइटम्स का हम सम करें तो 1450, 1700 तो आंसर में मिलेगा 3150। अब उसके हमें 10% डिस्काउंट है इसलिए इसका हमें 10% निकालना होगा तो वो रिमेनिंग है 315। तो बिल अमाउंट में डिस्काउंट तो लेस करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो बिलिंग जो अमाउंट है 3150 उसमें से 315 निकाल देंगे तो हमें आंसर में मिल जाएगा 2835, ठीक है, तो कस्टमर को 2835 वो पे करना है।